हेलो गाइस, इट्स मी सारिन फ्रॉम ईगलिस्टिक और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ MIUI 9 रनिंग एरर नोगेट ऑन द बेस्ट डिवाइस ऑफ Xiaomi, इट्स द रेडमी नोट 3। सो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पकड़े मुद्दा। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सारिन फ्रॉम ईगलिस्टिक और मैं आज आपको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि MIUI 9 रनिंग एंड्रॉइड नोगेट रेडमी नोट 3 के लिए क्या असली में आई है। तो चलिए इस डाउट को करते हैं दूर, करते हैं खुलासा। देखिए, जो कि रोम MIUI 9 नोगेट बेस्ड रेडमी नोट 3 के लिए आई है वो एक अल्फा रोम है, और वो जो अल्फा रोम है वो बेस्ड जो बनेगी इसके लिए वो है मैक्स के लिए, और वो MI मैक्स की रोम Redmi Note 3 में रन करके जो देखी गई है यहाँ पर, उसमें कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं वो रन कर रही है परफेक्टली, बट उसमें छोटे छोटे बग्स हैं रेजोल्यूशन के, थोड़े बहुत जैसे कि स्क्रीन साइज एंड वेयरिंग द कैमरा बग एंड लिटिल बिट मोर बिकॉज इट्स नॉन स्टेबल रोम एंड इट्स अल्फा रोम की ये प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी बीटा रोम तो आई नहीं है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि Redmi Note 3 के लिए नोगेट पे बेस्ड MIUI 9 आएगा या मार्शमेलो पे, बट ये जो अभी रोम लॉन्च हुई अल्फा रोम, इससे हमें कुछ होप्स तो मिल गए हैं कि शायद रेडमी नोट 3 के लिए यार नोगट मिल जाए तो बढ़िया ही होगा यार, बिकॉज ये अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड चल रहा है, अभी ओरियो भी आने वाला है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो हम पक्का बंद कर देते हैं, क्योंकि नोगट भी हमें शायद ही मिले तो ओरियो तो भूल ही जाओ बस। सो दिस इज द थिंग। बाकी मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ रेडमी नोट 3 जिसके लिए MIUI 9 की अल्फा रोम बनी है, जो कि मी मैक्स के बेस्ड है और ये रन कर रही है इस पर। हो सकता है हमें MIUI 9 भाई नोगट में मिल जाए, क्या बढ़िया बात ही होगी। तो चलिए देखते हैं फिर क्या करती है Xiaomi इंडिया में, ग्लोबली, चाइना में तो यार पता नहीं। सो हेयर कम्स डिवाइस, इट्स द Redmi Note 3, द कवर आई एम यूजिंग इज IPK and I'm using a widescreen guard on this, the color is gold. And the theme, I am using it only Oreo. So let's focus, level up. The version I am running is MIUI 8 till now. I am not flashing the ROM because it's a non-stable ROM, it's a alpha ROM. For installing that, first you need to root your device to install the GWRP recovery in it. जब आप TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आप डिवाइस पे जो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दिया है मैंने उस रोम को फ्लैश करें जाके TWRP से, क्योंकि ये अल्फा रोम है तो आपको इसको TWRP से इंस्टॉल करना होगा। और मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि जो ये रोम है, दोबारा बता रहा हूँ ये मैं, ये MI की जो MI का मैक्स है, मी मैक्स, उसके लिए रोम बनी है, ये नोगेट बेस्ड रोम है, बट ये रोम वर्किंग है रेडमी नोट 3 स्नैपड्रैगन एडिशन पे भी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये वाली रोम इस पर वर्क कर सकती है तो हो सकता है फ्यूचर में भी इसके लिए एंड्रॉयड नोगेट आए, और एंड्रॉयड नोगेट अगर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होगी। अभी तो हमें मार्शमेलो रन कर रहे हैं, रेडमी नोट 3 ये डिवाइस है, MIUI 8.2 ग्लोबल स्टेबल वर्जन है। सो मैं यही दिखाना चाहता था कि डिवाइस इज दिस on which we are going to install the MIUI 9. I am not doing it for now because for that I need to root the device, install TWRP recovery in it, and then we need to flash that ROM zip in this. And that ROM is of MIUI 9, no good based ROM. So guys, आप देख सकते हैं कि हम हैं XDA developer के पेज पे, और ये है section Xiaomi Redmi Note 3 Snapdragon Edition का। तो आप देख सकते हैं केंजो, जो कि इस डिवाइस का एक हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वाइज नेम है, आप देख सकते हैं 7.0 MIUI 9 पे ये वर्क करेगा। वर्किंग थिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर वर्किंग, बट एज इट्स अ नॉन स्टेबल रोम एंड इट्स अ अल्फा रोम, सो द थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग मेनली द कैमरा, एंड लेट्स सी वॉट अदर थिंग्स डोंट वर्क। यू टेल मी वॉट द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, सो वील ट्राई टू फिक्स देम। And the link is here. You can see the download link. Press it and download the ROM. I guarantee you that rest all the ROM is fine. But the problems come with the camera and a little minor other bugs.
आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़े बहुत इसमें बग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो रोम है, मैंने जैसा कि आपको जो मेन बात बताना चाहता हूँ कि MI Max के लिए है, तो MI Max में तो नोगट हमको पक्का ही मिलेगा ही, क्योंकि वो एक लेटेस्ट डिवाइस है Redmi Note 3 से। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि बट जो ये इन्होंने रोम Redmi Note 3 के लिए बनाई है, इससे हमें ये तो पता चल रहा है और हम कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं MI से कि वो हमारे लिए नोगट अपडेट बेस्ड MIUI 9 निकाले। प्लीज़ Xiaomi इस बार निकाल देना यार। तो हम ये एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ा देती है ये चीज़ कि MIUI 9 शायद नोगट के साथ आ जाए। भाई Xiaomi इन चीज़ों में काफ़ी पीछे है जो अपडेट्स देती है, बट MIUI के अपडेट्स में रेगुलर है, नो डाउट इन दैट। This is the only thing I want to tell you that the ROM is or MI Max, but it works on Redmi Note 3 and little bit other bugs are of resolution. For example, as you toggle the notification bar, instead of 4 icons, you will get 5 icons because MI Max has a big screen. So this is the reason. तो इसी रीज़न की वजह से आपको 4 की जगह 5 टोंगल्स मिल जाएंगे। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, बट बग तो बग है यार। बाकी आप देख सकते हैं जो आपको सूट करे उस हिसाब से आप रोम को फ्लैश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोम है ये एक अल्फा रोम है। इसको इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू रूट योर डिवाइस, देन इंस्टॉल TWR रिकवरी एंड देन फ्लैश द शो। आफ्टर फ्लैशिंग यू विल गेट MIUI 9 based on Nougat on a Redmi Note 3. That's a nice thing. And it's a